नमस्कार। आज हम आपको प्याज को 1 साल के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले हम प्याज को छीलेंगे। इसको हमें छील लेना है। ये सभी प्याज छील के तैयार कर लिया है और हम इसको बताएंगे आपको किस तरह से काटना है। आप इस तरह से काटेंगे तो आपका प्याज जल्दी सूख जाएगा। इस तरह से आपको इस तरह से काटना है। इसकी लेयर इस तरह से होती है। इस तरह से आप काटेंगे तो ये प्याज जल्दी सूखेगा। इस तरह से हमको सभी प्याज काट लेना है। ये देखिए सभी प्याज हम इसी तरह से काट लेंगे। ये देखिए हमारे सभी कट के तैयार हो गए हैं। तरह से हमने सभी को काट लिया है। ये देखिए और अब हम इसको इस तरह से कर देंगे जिससे कि इसके ये सब ये जो अलग अलग हो जाएंगे तो इससे हमारा अच्छी तरह से सूख पाएगा और जल्दी भी सूख जाएगा। बहुत बढ़िया सूखता है। फिर इस तरह से कहीं भी नमी नहीं रहती। इस तरह से हम थोड़ी देर इसको इस तरह से ऐसे मलेंगे तो ये हमारे सब लच्छे अलग हो जाएंगे। इस तरह से 2-3 मिनट लगते हैं इसको इस तरह से करने में। 2-3 मिनट में हमारा सब प्याज इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से हाथ से रगड़ के इसका बिल्कुल रेसा रेसा ये देखिए इसका पूरा लच्छा अलग कर लिया है। इस तरह से इसको हमें इस तरह से अलग कर लेना है और अब हम इसको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। तो ये अच्छा सा सूखेगा, एकदम सूख जाएगा अंदर, इसमें नमी नहीं रहेगी इस तरह से करने से। अब हम इसको धूप में डाल देंगे। इस समय धूप कड़ी हो रही है तो ये 2 दिन में सूख के तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने प्याज को सूखने के लिए डाल दिया है। ये देखिए हमारा प्याज सूख के तैयार हो गया है। इसको सूखने में 2 दिन लगे हैं और बिल्कुल सूख के इस समय ये तैयार है। इसे तरह ऐसे आप तुरंत तोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये देखिए बिल्कुल टूट के तैयार हो जाएगा। और इसको अगर आप पीस के रखना चाहें तो आप इसको पीस के भी रख सकते हैं। इसी तरह से लच्छों में रखना चाहें तो इस तरह से लच्छों में रख सकते हैं। आप सब्जी इसकी बनाएं, पुलाव में डालें, पराठे बनाए, पूड़ी बनाए, किसी में भी आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीस लेंगे तो आपको पिसा हुआ भी कर सकती हैं। और इस तरह से अगर हम देखिए इस तरह से इसको भर के इन पॉलीथिनों में इस तरह से इसकी पॉलीथिनों में भर के रखेंगे इनको। इस तरह से हम देखिए ये देखिए इस तरह से हम भर के इनको रख लेंगे और बिल्कुल ड्राई स्थान पर रखेंगे, सूखे स्थान पर रखेंगे तो ये खराब नहीं होगी। 1 साल तक ये इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम भर भर के इस तरह से रख लेंगे इनको और बहुत ही एकदम कड़क हो जाएंगे और ये अब खराब भी नहीं होंगे। और इनको हम पीसना चाहें तो हम पीस के भी तैयार कर सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। इसी तरह से हम सब भर के रख लेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।